साथियों, इंडी अलायंस के लोग जब तक सत्ता में थे, इन्होंने देश कैसे चलाया था? देश के भीतर बाजार सुरक्षित नहीं थे, सिनेमा हॉल सुरक्षित नहीं थे, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। और जो आज फर्स्ट टाइम वोटर होंगे ना, उनको तो ऐसी कोई चीज का पता ही नहीं होगा, क्योंकि उस उम्र में उनकी उम्र 5 साल 7 साल 8 साल रही होगी। उनको बताना जरा अपने 18 20 22 25 साल के बच्चों को कि कांग्रेस के जमाने में अनाउंसमेंट होता था, कोई लावार इस चीज दिखाई दे तो छूना मत, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, बस लावारिस चीज दिखाई दे, कहीं लावारिस टिफिन दिखाई दे तो दूर रहना, पुलिस को बताना, कहीं लावारिस बैग दिखाई दे तो दूर रहना, पुलिस को बताना, कहीं लावारिस कुकर दिखाई दे दूर रहना, बम होगा। ये लावारिस वाली चीजें यानी एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बन गई थी और कहीं पर भी बम फूटते थे। भाइयों बहनों, 2014 के बाद आपके कान पर लावारिस से दूर रहो ऐसा आया क्या? ये खेल करने वाले लावारिस हो गए कि नहीं हो गए? साथियों, 10 साल पहले आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? अगर आपको याद हो तो बताइए, नहीं है तो मत बताना। बम धमाके होते थे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, बम धमाके होते थे? आतंकवादी खुलेआम धमकियां जारी करते थे कि नहीं करते थे? सीमाओं पर गोलीबारी, राज्यों में नक्सली हमले, ये रोज की बात थी कि नहीं थी? लेकिन कांग्रेस की सरकार क्या करती थी? वो पाकिस्तान से गुहार लगाती थी और कांग्रेस अमन के कबूतर उड़ाकर फोटो निकलवाती थी। जी, अमन के कबूतर उड़ाए जाते थे, मोमबत्तियां जलाई जाती थी, मोमबत्तियां। और क्या कहते हैं, प्लीज प्लीज हम पर आतंकी हमला मत करो, यही बोलते रहते थे। अरे वीर भारत भूमि की साख पर कांग्रेस ने बहुत चोट पहुंचाई थी। और जब से आपने मोदी को सेवा का मौका दिया, तब से क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। अब पाकिस्तान ने एटम बम की धमकी देना बंद कर दिया है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात नोट करनी चाहिए, भारत को धमकी देने का काम पाकिस्तान की तो नहीं हिम्मत, लेकिन कांग्रेस वाले वो फाइल लेके घूम रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, कांग्रेस नाते नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उनसे सर झुका के बात करो। क्यों? उनके पास एटम बम है, एटम बम। अरे उनके पास रख रखाव के पैसे नहीं यार, कोई मुझे बताए, जब कांग्रेस सरकार में होती है, कांग्रेस जब सरकार में होती है तो धमकी पाकिस्तान देता है, और कांग्रेस बाहर है तो पाकिस्तान की ओर से वो खुद धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान अपनी संसद के भीतर स्वीकार करता है
कि उसने आतंकी हमले करवाए। लेकिन यहां कांग्रेस और इंडिया गाड़ी के लोग उसे क्लीन चिट देते हैं। कोई जरा बताइए ऐसा क्यों है? इंडिया गाड़ी वाले पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग क्यों कर रहे हैं?